एक बार फिर से मैं नटखट न्यूज लाइव पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग? आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख लूँगा अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको एक बार बोलो, दो बार बोलो, बात समझ में नहीं आते, तीन बार भी बोलो, लेकिन लास्ट यदि वो लोग किसी मुसीबत में, प्रॉब्लम में फंसते हैं तो तुरंत उस व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति की याद आती है जो कि उसकी हेल्प कर सके। उससे पहले उन व्यक्तियों को कोई मतलब नहीं रहता कि वो सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है। उस व्यक्ति को सामने वाले के मन में बस एक लालच और एक ईर्ष्या और एक नफरत की भावना महसूस होती है। वो क्या सोच रहे हैं नहीं समझ में आता, वो क्या कर रहे हैं नहीं समझ में आता, वो क्या समझाना चाह रहा है ये भी समझ में नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद वो हर बार इग्नोर करता है। उसको 100 बार कॉल करो, 10 बार कॉल करो, 1 बार कॉल करो, नहीं समझ में आता। लेकिन आजकल के टाइम ऐसे हो गए कि जो बिजी है वो अपने आप को खाली बताता है और जो खाली है वो अपने आप को बिजी बताता है। मैं नहीं जानता कि आप लोग अपने बारे में क्या समझते हैं, किसको क्या समझते हैं, या अपने आप को क्या समझते हैं, या किसी और को क्या समझते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि आप अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, मेरे को इतना पता है, क्योंकि आप अपनी कदर ही नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। और जो कोई व्यक्ति यदि सामने वाले अपनी बात को कहते हैं या बोलते हैं तो उनकी बात को आप लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, है बात ना? आप लोग सोचते कर क्या लेगा ये, क्या हुआ? करने को तो बहुत कुछ करेगा, लेकिन कैसे? उंगलियों के इशारे पे, लिख के, बता के, बोल के नहीं, बस अपने काम को करते हुए बहुत कुछ कर लेगा। आप कोई साथ मत देना, बिल्कुल मत सुनना, ना समझना, ना समझाना, क्योंकि बस आप लोग अपने बारे में समझना कि बस पैसा कमाना है, नाम कमाना है, मेहनत करना है, मेहनत उस तरफ करना है जहाँ पे गड्ढे में जा रहे हो। यदि आपके किसी दोस्त ने बोल दिया कि भाई उधर मत जाइए, उधर गड्ढे हैं, तो सबसे पहले आप उधर जाके चेक करेंगे कि सच में गड्ढा है या उसने सच में ऐसे ही बोल दिया, सच में उसने ऐसे बोल दिया या सच में उधर गड्ढा है। एक बार जाएंगे चेक करने, ऊपर से एक दोस्त और लेके जाएंगे, एक बार उसको बोलेंगे कूद के देखो गड्ढा है कि नहीं, इतने तरीके से सर्च करेंगे, लेकिन वो जो एक दोस्त पहले जाके उस रास्ते से गुजर के आ चुका है उसकी बात नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे ना, इग्नोर करेंगे। और उनको अभी भी लगेगा कि जो दोस्त हर बार झूठ बोलता था, क्या पता आज भी वो झूठ ही बोल रहा हो, है ना? लेकिन क्या पता आज उसने पहली बार सच बोला हो और आपने विश्वास नहीं किया हो और आज आप उधर गए हो और सच में गिर गए हो, फिर तो आप दोस्त को आके फ़ोन करके गाली देंगे, हाँ अरे तूने ही बोला था ना मैं गड्ढे में गिरा। लेकिन कोई बात नहीं, उसने बोला था, आपने सुना नहीं, अब आप गिरे क्यों? क्योंकि आपने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि क्या था ना, उस दोस्त की हर बार की ये आदत थी कि वो झूठ बोलता था, और आजकल हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप से, घर वालों से, रिश्तेदारों से झूठ बोल रहा है। और आज की मेरी वीडियो इसी झूठ के ऊपर थी। झूठ क्यों बोल रहा है, क्या समझ में आ रहा है वो झूठ बोल क्यों रहा है? नहीं ना, आप लोग पूछिए, आपने एक झूठ बोला उसके बाद कितना झूठ बोलना पड़ेगा आपको? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे और वो झूठ के बाद पूरा कवर बन जाएगा और आपका दिमाग एक दिन इतना भारी हो जाएगा आप सच में सच बोल नहीं पाएंगे। तब तक बहुत सारी घटनाएं आपके साथ घट चुकी होंगी और ये आपका रोहित आपको बताने के लिए नहीं होगा, क्योंकि तब आपका रोहित आपके सामने रहता है तो आप उसकी बात नहीं सुनते हो। लेकिन जब आप एक बार एक साथ कुछ अच्छा या बुरा हो तब आपको समझ में नहीं आ रहा उसने सही बोला था, ये चीज़ हो गया। आज ही की एक घटना है छोटी सी, मैं बता रहा हूँ। एक दुकान पे गया मैं तो वहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने बोला अरे रोहित तू पेंटर अच्छा है, आर्टिस्ट अच्छा है, मेरे दुकान पे नाम लिख दे। मैं बोला अंकल अभी है ना, अभी मैं पेंटिंग करने आया हूँ आपके स्कूल में, जैसे ही यहाँ की पेंटिंग समाप्त होगी मैं आपके यहाँ पे पेंटिंग करूँगा, लेकिन पता है अभी क्या होगा, मैं सारे काम छोड़ के आपके पास आऊँगा ना, सारे लोग मुझे देखने लगेंगे, क्यों? बोलेंगे मेरा कर दे, मेरा कर दे, मेरा कर दे। आज सारे पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, लेकिन जब इनकी पढ़ाई लिखाई के टाइम थे ये लोग झूठ बोल के स्कूल नहीं जाते थे, बहाने बनाते। और आज मेरे से एक लेटर लिखते समय यदि मिस्टेक हो जाएगा तो मेरे को ये पढ़ाएंगे रोहित ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं ऐसे लिखना है। लेकिन इससे पहले मैं बोलूँगा भाई लिख के दे दो क्या लिखना है, लिख के दे दो क्या लिखना है, नहीं बताएंगे और गलतियों में गलतियाँ दिखाएंगे। आज का लैंग्वेज था आनंद, आनंद जर्नल स्टोर। नाम थोड़ा अजीब है ना, आप सुन रहे हैं ना किस आनंद की बात कर रहा है? हो सकता है आपके किसी दोस्त का नाम आनंद हो, है ना? आपके किसी दोस्त का आनंद नाम हो और कोई बिंदी लगा के लिखता हो, कोई आधा ना लगा के, कोई डबल ना लगा के लिखता है, मैं नहीं जानता। लेकिन आप लोग बताइएगा आप लोग अपने दोस्त का नाम कैसे लिखते हैं। फिलहाल आज की बात है, जब मैंने ये सारी बातें बोली तो उन्होंने बोला रोहित तूने सही कहा था कि जब तू लिखेगा नहीं तो कोई यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे तू लिखेगा सारे भीड़ लगा देंगे। उससे पहले गली में कुछ बच्चे, आज संडे का दिन है ना, तो आज संडे के दिन में कुछ बच्चे गली में लड़ाई कर रहे थे, तो मैं बोला अरे अंकल कहाँ चला गया तो लड़ाई देखने, इधर कौन सी फिल्म बनाने की बात करे तो उधर चला गया। बोला कोई नहीं रोहित लड़ाई सुलझा के आता हूँ। मैं बोला कौन सी लड़ाई, छोड़ो ना उससे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा ना उनका फ़ायदा। जिस जिस माँ बाप के
बच्चे और बच्चे के माँ बाप खुद ही लड़ते हैं आपस में, बच्चे उनसे देख के यही सीखते हैं कि लड़ना कैसे है। और जिस माँ बाप के बच्चे शरीफ होते हैं, माँ बाप भी शरीफ होते हैं, वो अपने बच्चों को लड़ना कभी नहीं सिखाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं, बोलते मेरा क्या, मेरा थोड़ी है, मेरा क्या, मेरा थोड़ी है, ऐसे कहते हैं। लेकिन अगली बार ये होता है कि आप आज इसको इग्नोर कर रहे हो, कल उसमें आपका कोई अपना पिट रहा होता है और आप लोग ऐसे ही देख रहे होते हैं, भाई क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा आपको मार देंगे, काट देंगे, ख़त्म। एक दिन तो आपको मरना ही है, तो क्यों ना यदि बाहर गली कुची में आप थोड़ी बहुत देखते हो तो शायद पूछो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है। पूछने जाएंगे तो बताएंगे क्यों है, कौन है, तेरा क्या है, लेकिन कल कोई आपका अपना आदमी या बच्चा या दोस्त या फ्रेंड पिट रहा होता है, आप कुछ नहीं कर पाते। चलिए, आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए थी जिनको हम हर बार कुछ समझाने की बताने की कोशिश करते हैं, उनका कॉल बिजी बताता है, कॉल नहीं उठता, और कॉल जाने के बाद भी वो कॉल नहीं उठाते, ये उन्हीं लोगों के लिए था, आपके लिए, आपके लिए और आपके लिए, आप ही के लिए। ये उंगली उन लोगों के लिए है जो मेरे जैसे और नहीं, और भी दोस्तों के, और भी लोगों की बातों को इग्नोर करते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं उन लोगों के ऊपर टारगेट करता हूँ जो अपने ही खुद के, जिसे हम कहते हैं खून का रिश्ता, जिसे हम कहते हैं रिश्तेदार। किसे कहते हैं हम रिश्तेदार बताइए? वो जो रात को 12 बजे आपके घर पे पैसे पहुँचा दे जरूरत पड़ने पे, या फिर वो जो आपके जरूरतों को बिना किसी इच्छा को पूछे हुए पूरा कर दे, या फिर वो आपने बोला उसने पेटीएम में पैसे डलवा दिए, या फिर वो जो आपकी हर बात में हाँ मिला है। बोलिए, नहीं पता ना, कमेंट करके बताइएगा आपके सच्चे वाले दोस्त कौन है, अच्छे वाले दोस्त कौन है, और आपके घर के लोग कौन से हैं और रिश्तेदार कौन से हैं। चलिए, मैं रोहित आपका आज इसी बात से अलविदा लेता हूँ, और ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लाख बार बोलने पे कोई बात नहीं सुनते। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए नटखट रोहित आर टीवी चैनल एंड नटखट न्यूज़ लाइव। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन नटखट रोहित, कैमरामैन रोहित के साथ। आप लोग सोचेंगे ना रोहित, मेरे को इत्तेफाक से आज का कैमरामैन जो है उसका नाम रोहित ही था, कैमरे के पीछे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी वीडियो और भी मिलेगी, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो आर्टिस्टों वाला ही वीडियो मैं इस चैनल पर बनाता हूँ। आज पहली बार मैंने इस तरह से वीडियो बनाई है, तो आप लोग देख लेना कैसा लगा। नमस्ते।